नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर बाराबंकी से। विद्युत उपकेंद्र जैतपुर के संविदा कर्मियों का समय से वेतन न मिलने के कारण विरोध में मंगलवार को संविदा कर्मियों द्वारा जैतपुर पावर स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता द्वारा 8 अगस्त को अपने पत्र द्वारा दिए गए आश्वासन के मुताबिक भी जनपद के सभी संविदा कर्मियों का वेतन 9 अगस्त को 7:30 बजे तक भी नहीं आ सका। सिर्फ खंड बाराबंकी के कुछ कर्मचारियों का ही वेतन आ सका है। उल्लेखनीय है कि पिछले माह भी कुछ कर्मचारियों की सैलरी 16 तारीख को मिल गई थी, किंतु खंड फतेहपुर एवं रामसनेही घाट की सैलरी आंदोलन करने के उपरांत 27 तारीख को आई थी। उक्त प्रकरण को लेकर विद्युत संविदा कर्मियों में रोष एवं निराश की भावना उत्पन्न होने लगी है। संविदा कर्मियों के अनुसार अगर उन्हें समय से वेतन नहीं दिया गया तो 10 अगस्त को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद के सभी खंडों में पावर हाउस पर स्थगित आंदोलन कार्य बहिष्कार पुनः शुरू कर देंगे। संगठन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जब तक सभी खंडों के संविदा कर्मियों की सैलरी उनके खातों में नहीं आ जाती तब तक कार्य बहिष्कार आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इसके बाद संविदा कर्मियों द्वारा दाम नहीं तो काम नहीं, इस तरह अन्य नारे भी लगाए गए। धरना प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोगों में संविदा कर्मी नरेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह, मनोज कुमार, सुरेंद्र सिंह, रोहित शुक्ला, संजय सिंह, श्रवण कुमार पुल्ली आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से कृष्ण गोपाल सोनी की रिपोर्ट।